देवतादेव्याय नमः स्वाहा। ओम पंचमुखाय नमः स्वाहा। ओम पलादेश्वराय नमः स्वाहा। ओम जलादेश्वराय नमः स्वाहा। ओम प्रतादेव्याय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवतादेव्याय नमः स्वाहा। ओम कल्याणदेव्याय नमः स्वाहा। ओम जलादेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नरसिंहाय नमः लकी, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, किस नज़र से देखते हैं क्या? ये इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है तो ये दो देशों के बीच की भावनाओं का खेल होता है। इसमें पूरे हिंदुस्तानी, पूरे 1.5 अरब की जो जनसंख्या है, एक वो पूरी भावनाएं इस मैच से जुड़ी होती हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति पूरे देश का यही चाहता है कि हिंदुस्तान एक तरफा जीते, और जीत रहा है। पिछली बार भी पाकिस्तान को धूल चटाया था, इस बार भी पाकिस्तान को हम लोग धूल चटाने के लिए माँ गंगा घाट के किनारे पलादेश्वर मंदिर के अंदर हवन पूजन पाठ किए हैं, ताकि हमारे भारत के जीत को सुनिश्चित हो। हमारी भारत, हमारी क्रिकेट टीम हर बार की तरह पाकिस्तान को इस बार भी धूल चटाए, यही माँ गंगा से, यही बाबा विश्वनाथ से, यही पलादेश्वर महादेव से हम लोग कामना करते हैं कि हर बार की तरफ इस बार भी देश का मान बढ़ाएं और पाकिस्तान को अधिक से अधिक बुरी तरीके से हराएं। काशी के पावन तट पर माँ गंगा के किनारे बाबा प्रहलादेश्वर महादेव मंदिर पे आज सभी प्रशंसक हम लोग टीम इंडिया की जीत की शुभकामनाएं के लिए यहाँ पे हवन पूजन रखा गया है, और टीम इंडिया की जीत हुए सुपर लीग 4 में पाकिस्तान को एक बार फिर मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, इसलिए आज यहाँ पे हवन पूजन का कार्यक्रम। किस तरीके का मैच देखते हैं, कैसा होगा मैच? तो आज मुझे लग रहा है कि आज मैच एक तरफा मैच होगा, अब भारतीय टीम एक तरफा अंदाज में पाकिस्तान को धूल चटाएगी, वो चाहे पेस अटैक के मामले में, चाहे स्पिन अटैक हो, चाहे वो बल्लेबाजी में हो। देखिए, आज का मैच जो होगा ऐतिहासिक मैच होगा। पिछला मैच भी आप देखे थे कि वो मैच भी ऐतिहासिक मैच था, क्योंकि हमने एशिया कप हारा था और उसका बदला हमने भरपूर लिया। पाकिस्तान से जब भी हमारा मैच होता है, दो देशों का युद्ध होता है, और इसे कोई हरा नहीं सकता हम लोग को। और आज जो मैच होगा, चाहे हमारे हार्दिक पांड्या जी हों, विराट कोहली जी हों, केएल राहुल हों, ये सारे जो बैट्समैन हैं वो ऐसा प्रदर्शन करेंगे, लोग देखेंगे, और पाकिस्तान को आज इतनी बुरी शिकस्त दिया जाएगा वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज क्या किया जाता है? आज हमने हवन किया है, और अपने जो सनातन धर्म की पद्धति है, हम अपने हवन और तप से अपने प्लेयरों को, मैं शक्ति भगवान से आराधना किया हूँ, उनको शक्ति दे, और जो पाकिस्तान की सोच है उनकी, उनको सोच को हम लोग वही फील्ड में शिकस्त देंगे, और वो सोचने मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो प्ले टीम है वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है।